ये 9 महीने का 10 महीने का लॉकडाउन में कैसा रहा, सब घर में बंद होके रह गए, किसी को बैक पेन होने लगा, किसी को नेक पेन होने लगा, किसी को नी पेन होने लगा, है कि तो इनएक्टिविटी बहुत खतरनाक चीज़ है। तो उनको हमेशा बॉडी को एक्टिव रखना, मार्शल आर्ट्स एक चीज़ है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग के बारे में कौन जानते हैं, सब जानते हैं, सब करते हैं, सबको अच्छे से स्प्लिट करना आता है। बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो सबको स्ट्रेचिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हर तरीके की अपर बॉडी स्ट्रेच, लोअर बॉडी स्ट्रेच, बैक स्ट्रेच। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो उसकी मिसाल कैसी है कि एक वायर को एकदम जाम हो जाए, क्या होता है वो जाम होके ब्रेक हो जाता है, क्यों, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चले गई, ठीक है। उसी तरीके से हमारे मसल्स है, हमारे नर्व्स है, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं रखोगे, जो हाथ का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होना चाहिए, अगर इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसके मसल स्टिफ हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। क्योंकि जाम हो गए तो क्या होगा, फिर अगर आप कोई काम करने गए तो ये इंजरी हो जाएगी। तो इंजरी से बचने के लिए क्या करना है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ध्यान देना है। आप जितना भी मार्शल आर्ट्स का सब कुछ प्रैक्टिस करो, अगर आपकी ट्रेनिंग में, अगर आपकी प्रैक्टिस में, और ये कब तक के लिए है, लाइफ लॉन्ग। हमेशा अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करेंगे, आपका मसल जो है फ्री रहेगा, आप इंजरी से बचे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज़ क्या है बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए, डाइट पे हम लोग बाद में आते हैं। अभी बॉडी के 3 कंपोनेंट पे हम लोग बोलते हैं। एक है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना, अगर मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है प्रॉब्लम है। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल बहुत है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, किसी चीज़ को उठाना है लेकिन इतनी ताकत नहीं है, या उठाने गए तो ये 10 किलो का लेके बॉडी के दूसरे मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। तो आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी के बाद, स्ट्रेचिंग के बाद दूसरा ध्यान दोगे स्ट्रेंथ पे, ठीक है। जो भी आप किक लेते हो, अगर आप समझो ये किक ले रहे हो, आपकी ये जॉइंट्स, ये मसल्स रेडी नहीं है आपकी बॉडी का वेट उठाने के लिए, क्या करेंगे। बॉडी एक ऐसी चीज़ है, जैसे गाड़ी में हम लोग 4 टायर हो, और अगर उसमें बहुत ज़्यादा लोग भर दिए जाए क्या होगा, अगर उसमें एक टायर पंचर हो गया तो क्या होगा, बाकी के 3 पे उस पर लोड आ जाएगा, आएगा ना। तो वो चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी होती है, अगर कोई मसल्स वीक होते हैं और अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती बॉडी का मूवमेंट का लोड लेने के लिए, तो क्या होता है, दूसरे मसल्स पर लोड चला जाता है, और जो मसल्स को काम नहीं करना चाहिए वो कर लेना। अगर हम स्ट्रेंथ वर्कआउट करेंगे, अब स्ट्रेंथ वर्कआउट में क्या रहता है, सबसे सिंपल स्ट्रेंथ का मतलब बॉडी को ताकत देना। ताकत कैसे देंगे, खाना पीना तो अलग चीज़ है, वर्कआउट से देना, ठीक है। जैसे डंबल वर्कआउट हो गया, सिंपल बॉडी वेट, बॉडी भी आपका एक वेट ही है, आपने सिंपल वे में बॉडी पुशअप्स किया, तो ये आपका बॉडी का वेट भी आपके लिए स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए साबित है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वर्कआउट सब करते हैं, क्या क्या करते हैं, एक या दो लोग कोई बताएंगे स्ट्रेंथ के लिए, पुशअप्स और सिटअप्स, स्क्वाट्स और पुलअप्स करते हैं, पुलअप्स भी कर सकते हैं, है ना। सिंपल सिंपल, ज़रूरी नहीं है आपके पास कुछ सामान या वजन भी होना चाहिए स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए, आपकी बॉडी भी आपके लिए, ये 1 लेग पे करके भी इस तरीके से अगर लंच किया, एक मसल्स के लिए स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट, दोनों किया स्क्वाट हो गया, पुशअप्स ले लिया, वॉल पुशअप्स ले लिया, जमीन के पुशअप्स ले लिया, ठीक है। सिंपल अगर 1/2 kg, 1 kg आप लोग अगर हैं, आप लोग एज ग्रुप के हिसाब से अगर 1/2 kg, 1 kg डंबल भी लेके अपर लिम हैंड का वर्कआउट किया तो सारा स्ट्रेंथ बना रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, लिखते हैं ना, हमारे मसल्स जो है टायर्ड हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, फटीग समझते हैं, फटीग मतलब काम करते करते एकदम थक जाना। उसको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो उसको टाइटनेस से निकालना, ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सारी बॉडी का स्ट्रेच, और दूसरी चीज़ है उसको स्ट्रेंथ, तीसरी चीज़ ये स्ट्रेंथ हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और तीसरी चीज़ क्या होगी, स्टैमिना। डाइट पे बात आती है, अभी हम लोग 3 चीज़ बॉडी के जो 3 मेन रिक्वायरमेंट है ना, हमारी वर्कआउट, हमारा ट्रेनिंग, सब चीज़ में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी एथलीट ले, चाहे वो बड़े लेवल का हो चाहे छोटे लेवल का, कुछ भी, ये 3 चीज़ ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टैमिना। स्टैमिना जिसको स्टैमिना ही काम करते, तो स्टैमिना ही बोलते हैं, ठीक। स्टैमिना क्या होता है,
बॉडी का काम करने का कैपेसिटी, बॉडी का काम करने का लंबे टाइम तक काम कर पाने की कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब एरोबिक एक्टिविटीज़ में आता है। एरोबिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो लंबे टाइम तक की जाती है, बॉडी का यूज़ होता है, ठीक है, और इसमें बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया एरोबिक एक्टिविटी। उसके लिए क्या करते हैं आप लोग को स्टार्टिंग में स्पॉट जॉगिंग कराते हैं, ठीक है, कि वो एक तरीके का एरोबिक एक्टिविटी, वार्म अप जैसा हो जाता है, बट उतना नहीं चलेगा। अगर आप